हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आपको कई बार सुझाव दिया जाता है कि आपको हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ड ब्रश या काफी फोर्स से आप ब्रश कर रहे हो तो देखिए दांतों की कंडीशन कैसे हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने वीडियो शेयर किया है, ये पूरा इनका जो दांतों का इनामल है वो पूरा घिस चुका है और यहाँ पे देखो डेंटल अब्रेजन, मतलब यहाँ पे जो इनामल अब्रेड हुआ है और वहां पे उनको सेंसिटिविटी की काफी तकलीफ बढ़ गई है। तो ये काफी समय से हार्ड ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो प्रेशर भी काफी ज्यादा देते हैं, इसके कारण इनके दांत घिस चुके हैं। तो प्लीज आप हार्ड ब्रश यूज करना अवॉइड कीजिए, आप मीडियम ब्रिसल वाला ब्रश यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे फील होता है कि ब्रश नहीं किया है या कुछ अच्छा फील नहीं होता है ब्रश करने के बाद, तो आपको पहले डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। अगर कैलकुलस प्लाक जम गया है तो वो प्रॉपर डेंटल क्लीनिंग करवा के लीजिए ताकि आपको हार्ड ब्रश की जरूरत ना पड़े। तो देखिए अगर ये कंडीशन में हमें अभी ट्रीटमेंट देना है उनको, तो हमको यहाँ पे कंपोजिट का फिलिंग किया है ताकि देखिए जब ये ब्रश करेंगे तो प्रॉपर दांत के ऊपर अभी ज्यादा घिसा नहीं जाएगा, इसीलिए अभी फिलिंग के मटेरियल से ये सील हो गया है। अगर ये फिलिंग नहीं करवाते हो आप, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो ये दांतों का सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है और आगे जाके आपको दर्द की समस्या होती है और इसको दूर करने के लिए आपको रूट कैनाल करने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो प्लीज आपकी जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको सुधारिए। गलत तरीके से आप ब्रश कर रहे हो, ज्यादा जोर देके ब्रश कर रहे हो, तो प्लीज उसको स्टॉप कीजिए। काफी ज्यादा समय तक आप ब्रश कर रहे हो, लंबे समय तक ब्रश कर रहे हो, 5 या 10 मिनट तक ब्रश करते हो, तो उसको भी आपको स्टॉप करना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान दोगे तो आप आपके दांतों का जो नुकसान कर रहे हो उससे आप बच सकते हैं।